लाला बुद्धराम जी अते श्रीमती शकुंतला गुप्ता जी समाज दिया अजिहियां शख्सियतां विचों सन जिन्हां नूं समाज कदे भी नहीं भुल सकदा। आप दोवां ने अपनी पूरी जिंदगी सच अते धर्म दे रस्ते ते चलदियां बिताई। आप धर्म प्रति सच्चे आस्थावान इंसान सन अते सब नाल प्यार करना आप जी दा सुभा सी। आप बहुत ही शांत सुभा दे मालक सन। उन्हां दी याद विच धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों श्री नव दुर्गा मंदिर सराबा नगर लुधियाना विखे करवाया गया, जिस भी सब तो पहला अमृत वाणी दा पाठ कर परमात्मा नु याद कीता गया। इस मौके वड्डी गिनती भी संगता ने शिरकत कीती। कुछ शख्सियतां वल्लों श्रीमान अते श्रीमती गुप्ता जी दे कीते कम्मां नु याद कर उन्हां नु श्रद्धा दे फूल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। श्रीमती शकुंतला जी उनके प्यार से बीजी ही कहते थे, संपूर्ण कर्मों में उनका साथ देती हुई इस शरीर को त्याग के गई हैं। तो संत मरे क्यों रोइए जो अपने ही गृह जाए। शोक तो उनके लिए करना चाहिए जिन्होंने परमेश्वर के नाम का सिमरण न किया होवे, जिन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन न किया होवे, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ना निभाई होवे। शोक तो उनके लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन ऐसी पवित्र आत्माएं जो समस्त जीवन में परमेश्वर के नाम का सिमरण करती रही। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि जब भी कोहन आश्रम में जाना होता, पूज्य पिताजी महाराज के चरणों में सदा ही लाला बुद्धराम जी के दर्शन वहां पे हमें हुआ करते थे। कोहन आश्रम में रहना और कुछ दिन नहीं महीनों तक वहां रहना, सिमरण करते हुए सेवा के कार्य में भी सदा आके रहना, कोई मिल जाए, किसी को कोई जरूरत है तो उन्हें कहना कि मैं लाके देता हूं, मुझे ये सेवा का मौका दीजिए। परमेश्वर ने सब कुछ दिया होने के बावजूद भी मन में जरा भी उनके अहंकार नहीं था। शारीरिक रूप से बाद में अक्षम भी हुए, लेकिन फिर भी परमेश्वर के नाम का सिमरन सदा ही उनके द्वारा चलता रहता था। ऐसी पवित्र आत्मा मन तो यही करता है
कि ऐसे वृक्ष की छाया सदा ही बनी रहे, लेकिन विधि का विधान है कि लंबी उम्र का आशीर्वाद देने वाले नहीं रहे, तो फिर किसके लिए कहें। शारीरिक कष्ट भी हुआ, किसी प्रारब्ध पिछले कर्मों के कारण होगा, क्योंकि कहा भी है संत वचन है कि सब भोगते हैं फल कर्मों का, इनसे बचने का काम नहीं। श्री राम बचे न बची सीता, हम तो सीता नहीं राम नहीं। तो अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है, लेकिन ऐसी सभा हमें अवश्य ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने कर्मों के ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। छह चीजें परमेश्वर ने अपने पास रखी हैं, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, ये परमेश्वर की विधि के हाथ में है। फिर हमारे हाथ में क्या है हमें सोचना चाहिए। हमारे वश में है केवल अपने कर्तव्य कर्मों के ऊपर दृष्टि रखना। कोई भी फसल हम बीजते हैं, गेहूं की फसल बीजते हैं, 30 किलो गेहूं का बीज हम डालते हैं, लेकिन फसल पकने को बीज 10 कई गुना हो के पलट के हमारी झोली में आता है। शुभ कर्म और पाप कर्म दोनों के फल इसी प्रकार कहे हैं। तो हमें अपने कर्तव्य कर्मों के ऊपर दृष्टि रखनी है। कोई भी वृक्ष अपना फल नहीं खाता, लेकिन मनुष्य ऐसा जीव कहा है जिसे अपने किए हुए कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो अपने कर्म को पवित्र दान से करना है, इस शरीर को निर्मल नाम सिमरण से करना है। संत वचन अगर विचार करें तो जितने हमारे पारिवारिक संबंध हैं, गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि मात पिता वनिता सुत बंधु इष्ट मीत और भाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत ही को न सहाय। अमृतवाणी में गुरु महाराज की पवित्र वाणी का हमने अभी पठन किया। मात पिता बांधव सुतदारा धनजन साजन सखा प्यारा अंत काल दे सके न सहारा एक राम नाम तेरा तारण हारा। अगर वही नाम तारण हारा है तो उसी नाम को हम छोड़ बैठे तो हमसे अधिक मूर्ख कौन होगा। ये मैं अपने लिए कहता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। तो सदा अपने इष्ट के लिए मन में ये भाव रखना है कि वो हर समय हमारे अंग संग हैं। परमेश्वर हमारे कर्मों को देख रहे हैं, तो जब हम परमेश्वर की दृष्टि में हैं, गुरु की दृष्टि में हैं, तो पाप कर्मों से हमें पीछे हटना है, ऐसा मन में संकल्प लेना चाहिए। जीना मरना तो लिखा है, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी कही है, लेकिन इससे भी छुटकारा देने वाला राम नाम कहा है। गुरु ग्रंथ साहब के वचन है, राम नाम मन तन आधारा जो सिमरे इसका निस्तारा। ज्ञान का सूर्य है नाम। परिवार में यह जो वियोग का समय है, माता पिता का अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके चले जाना, परंतु परिवार को आशीर्वाद महापुरुषों के और स्वयं श्री राम का ये सदैव ही प्राप्त है। यह वह दुखद समय है जिसकी पूर्ति तो संभव नहीं। तब गुरु महाराज ने हमें मार्ग दिखा दिया। वचन है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के गीता का दूसरा अध्याय, वस्तुओं के परिवर्तन में लोगों के उत्पत्ति विनाश में जिस प्रकार सृष्टि नियम काम कर रहा है, प्राणियों का जीवन मरण ये विधाता का विधान है, यह विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। गुरबानी ने कहा राम के हो रावण के हो जाको बहु परिवार, कोई भी सदा यहाँ पर जीवित नहीं रहता, परंतु परम आदरणीय लाला उधम जी एवं उजमा जी श्रीमती शुक्ला गुप्ता जी, जैसा उनका जीवन समर्पित था गुरुदेव के आगे श्री राम के आगे, और वही आज परिवार
कितने भाग्यशाली आत्माएं पुत्र पुत्र वधु पौत्र पौत्रे और पुत्रे ये उसके कृपा के बिना संभव नहीं। हम सब जहां लाला भुदराम जी और माता शकुंतला जी जो कि 14 और 17 तारीख को प्रभु के चरणों में चले गए हैं, जब लाला भुदराम जी का देहांत हुआ तो मुझे जीके गुप्ता जी जो हमारे प्रेमी भी हैं पड़ोसी भी हैं उनका फोन आया, बाऊ जी चल बसे। मैंने बोला गुप्ता जी बाऊ जी चल नहीं बसे, वो अमर हुए हैं। आज देखो कितना बड़ा दिन, कार्तिक मास संग्राम का दिन, प्रभात वेला, और फिर हमारे रामचंद्र के भाई साहब धुवेंद्र सूद जी ने उनकी आंखें दान करवाई। वो तो जाते जाते भी दो रोशनियां लुधियाना वासियों को दे गए। ये परिवार कोई भी कार्य करे राम नाम से शुरू करते हैं और राम नाम से ही उसका समापन करते हैं। ये और क्या होगा, और श्रद्धांजलि क्या होती है, ये इससे बड़ी क्या श्रद्धांजलि है जहां राम नाम का जाप हो, संत लोग बैठे हों और परिवार को इतना खुशहाल परिवार हो। अब तो प्रदीप गुप्ता जी, साहिल जी, कुणाल जी, इनको तो लाला भुदराम जी के जो पौधे लगाए हुए हैं उनको पानी देना और कुछ नहीं करना है। बहुत कृपा है, बहुत बढ़िया परिवार है, पड़ोसे वाले होके गए हैं। भुदराज जी और उनकी पत्नी दोनों ही जिंदगी में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। भुदराज जी ने बहुत समाज सेवा का कार्य भी किया है और जाने से पहले भी वो अभी अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे उन्होंने बहुत और भी एक अच्छा कार्य किया है कि यहाँ की आंखें दान दे के गए हैं। उनकी आंखों से समाज के जो व्यक्ति को रोशनी दे के चले गए, इससे अच्छा और बड़ा कार्य क्या हो सकता है। उनकी आंखों से लोग दुनिया को देखेंगे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है।